आप सब सर खड़े हैं जिसकी वजह से हम लोग आजाद घूम रहे हैं। थोड़ा पानी रिफिल कर लेते हैं, पानी भर लेते हैं। तू चल अकेला मेरे चैनल का नाम है। थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू भाई। हरी मंजिल मेरी मंजिल। तू चला अकेला। हाँ तू चल अकेला। तो भैया ने वो रही पीछे बस, आप देख रहे होंगे, उन्होंने हमको इस ट्रक में बिठवा दिया है और वो हमें मतलब इनको मुड़ना था इस साइड, भैया और को इस साइड जाना था और मुझे जाना है सीधा। तो ये ट्रक वाले भैया आ रहे थे, थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आ रहे थे तो भैया अभी सीधा जा रहे हैं आजमगढ़ की तरफ। तो सर ने मतलब हमें लिफ्ट दिया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो छोटी सी एज में भैया ने मतलब 25 साल की उम्र है, आपने स्टार्ट कब किया मतलब? मैं किया, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंसारी है। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं गोरखपुर, बगल में महारानगंज जिला है, सिसोया बाजार मेरा घर पड़ता है। जी 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 जी, वहाँ से मैं हूँ। अच्छा अच्छा, अभी आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से, दिल्ली में जॉब करता हूँ, घर चलाता हूँ ट्रक। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं दिल्ली से आजमगढ़ जा रहा हूँ। तो आपने ये किस एज में स्टार्ट किया मतलब ट्रक चलाना? मैं तो बहुत पहले, मैं 2-3 साल विदेश में ड्राइविंग कर चुका हूँ। अच्छा, सऊदी अरब में। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब घर पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होती रहती थी। 17 साल के तो इन्होंने मतलब घर के आसपास ही चलाना स्टार्ट किया, मतलब प्रैक्टिस करी। 18 साल की उम्र में ये निकल गए सऊदी अरब भी ट्रक चला के आए हुए हैं और अब इंडिया में चला रहे हैं। भाई आपका सल्यूट है सच में, मतलब आपको ट्रक चलाना बहुत ऑल इंडिया घूमना पड़ता है, आसान काम नहीं है, बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। धूप चल रहा है, इससे ड्राइवर का सेफ्टी रहता है, सेफ्टी का सिस्टम सही है। सही है, सही सही है। अभी तक नहीं है वैसे क्या, कोई प्रभाव नहीं है, एसी अभी तक आया ही नहीं है। और एक कंपनी आया उसमें एसी आया है, लेकिन कंपनी देती नहीं है। मालिक बोलेंगे, जो गाड़ी मालिक होते हैं, कि सोएगा मेरा डीजल जलेगा। अच्छा, ऐसे कारण से नहीं देता है। तो इस कारण से मतलब, लेकिन देना चाहिए क्योंकि ड्राइवर इंसान है, वो भी तो इंसान है। अब देखिए कैसे पसीना टपक रहा है, बिल्कुल फेस कितना काला हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो व्हीकल जो बना रहा है उनको मैं कहना चाहूंगा कि हर एक ट्रक में अब आप कर दीजिए, हर एक ट्रक में होना चाहिए एसी, उसके बगैर मतलब पास ही नहीं होना चाहिए। आरटीओ वगैरह भी अगर कोई देख रहा होगा तो उसके बगैर पास ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि होना चाहिए कि ट्रक वालों को भी सहूलियत होनी चाहिए कि वो भी एसी में चले। इतनी गर्मी में मतलब बहुत पसीना होता है, बहुत गर्मी होती है। और ये तो मतलब ऐसा इलाका है जहाँ पे वो है, अगर राजस्थान वाला, गुजरात वाले इलाके में इस समय चलाएंगे तो कितनी गर्मी होगी आप सोच सकते हो। तो मैं चाहता हूँ जो भी मतलब देख रहा है डिपार्टमेंट का कोई भी व्यक्ति, जिस तक मतलब जो कर सकता है ये चीज, तो प्लीज इस पर ध्यान दीजिए, ट्रक वालों पर भी ध्यान दीजिए, वो भी हम लोग के भाई हैं, हम जैसे लोग हैं, इंसान हैं। तो आपको जरूर करना चाहिए एसी प्रोवाइड। थैंक यू। हम पहुंच गए आजमगढ़ के आसपास, 30 किलोमीटर रह गया आजमगढ़ यहाँ से, 25 से 30 किलोमीटर आजमगढ़ रह गया। तो इस एक्सप्रेस वे पे आपको ज़्यादा फूड कोर्ट या ढाबा वगैरह नहीं मिलेंगे। बहुत देर बाद एक ये आया, तो हमने पानी यहाँ पे भर लिया अपना, रिफिल करने के लिए रुके हुए थे, पर ये भैया ने हमें बिठा दिया थोड़ी देर और बोल रहे हैं कि कुछ खा के जाओ। तो भैया ने पैटी ऑर्डर करी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब ये मुझे आजमगढ़ तक, थोड़ी आगे तक चले जाएंगे, फिर मैं आरा के लिए निकल जाऊँगा। इधर से हम चल दिए हैं फूड कोर्ट से, और छोटा सा बच्चा चैनल पूछ रहा था तो मैंने उसको चैनल का नाम बता दिया है, और अब हम निकल रहे हैं ट्रक पे वापस। आजमगढ़ आने वाला है 20-25 किलोमीटर के बाद, और उसके बाद हम निकल जाएंगे आरा की तरफ, और देखते हैं कैसा सफ़र रहेगा आगे भी। अभी तक तो बहुत बिंदास जा रहा है, अच्छे से जा रहा है। ये भाई आ गए, कहाँ थे आप? अच्छा, मैं आजमगढ़ पहुँच चुका हूँ और समय हो रहा है, एक मिनट में दिखाता हूँ, समय हो रहा है 4:25 और भैया हमें यहाँ तक लिफ्ट दे दिए हैं। कम से कम मेरे ख्याल से 50 से तो ज़्यादा किलोमीटर, 50 किलोमीटर, हाँ 50 किलोमीटर भैया के साथ में आया हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत से लोग मतलब ट्रक वालों को लेके नेगेटिव हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। देखिए कितने अच्छे अच्छे लोग हैं इस डिपार्टमेंट में भी, कितने मतलब आपको 99% क्या 100% मैं लिख के देता हूँ कि ट्रक वाले हमारे भाई लोग बहुत बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत नेचर के अच्छे हैं। गाड़ी आ रही है, आप लोग बस, एक गाड़ी आई है देखता हूँ, भैया अभी मेरी हेल्प करवा रहे हैं थोड़ा गाड़ी के लिए, देखते हैं रुके।
उन्होंने दूसरे ट्रक पे बिठा दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने रोकी है हमारे लिए, और बाकी बात करते हैं भैया से। थैंक यू भाई। कहाँ से हो भैया आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी से? यूपी में कहाँ से? गाजीपुर जिला। अच्छा, गाजीपुर जिला से है सर, यहीं से है, आसपास से गाजीपुर जिला था, और जा रहे हैं 30 किलोमीटर आगे तक इसी रोड पे। तो कह रहे हैं कम से कम मैं 30 किलोमीटर आगे तक जा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको छोड़ दूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। उतर गया हूँ इधर से, भैया ने हमें छोड़ दिया है। भैया ये कौन सी जगह आ गई है? ये अपना मर्दा में पड़ेगा, मर्दा। तो भैया ने हमें मर्दा, मारदा है ये जगह का नाम, तो यहाँ पे छोड़ दिया भैया ने, यहाँ पे हमें उतार दिया है, और हम यहाँ से आरा के लिए निकल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने बहुत स्पीड में भी चलाई, बहुत अच्छे से चलाई, जल्दी पहुँचा दिया मुझे, धन्यवाद भैया। ओके सर, थैंक यू भैया, बाय बाय। तो भैया ने हमें यहाँ उतार दिया था, और हम आगे की तरफ जा रहे हैं। भैया देखना, भैया गाड़ी भी आ रही है, दूध लेकर जा रहे हैं यहीं पे, देखते हैं कोई। रुकवाई तो थी, रुकी नहीं, पर कोई बात नहीं, रुकेगी, कोई ना कोई तो रुकेगा। Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. वहाँ पे जो पीछे में रुका हुआ था ट्रक वाले भैया ने वहाँ पे हमें उतार दिया था, और उसके बाद हमें अंकल जी मिले हुए हैं, और आगे तक छोड़ रहे हैं, 10 किलोमीटर आगे तक जा रहे हैं सर बोल रहे हैं, और बता रहे हैं कि आगे टॉयलेट ब्लॉक है। अच्छा, टॉयलेट ब्लॉक है जहाँ पे वॉशरूम या फिर कुछ खाने पीने के लिए भी, पानी वानी के लिए रुकते हैं, तो हमें वहाँ तक छोड़ देंगे बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बोल रहे हैं लिफ्ट लेना आसान हो जाएगा क्योंकि लोग रुकते हैं वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ने हमें यहाँ छोड़ दिया है कम से कम 15-17 किलोमीटर आगे, और इन्होंने बोला है कि यहाँ से अब थोड़ा मिलना स्टार्ट हो जाएगी, गाड़ियाँ वैसे आने रही है। ठीक है सर, पता नहीं किस जगह पे हूँ, जगह का नाम तो नहीं पता, पर अभी यहाँ से मेरे ख्याल से 100-150 किलोमीटर और रह गया आरा, और मेन बात है यहाँ पे गाड़ियाँ चल नहीं रही है। मतलब अभी ये डिपार्टमेंट के लोग थे तो ये बता रहे थे कि गाड़ियाँ यहाँ पे इसलिए ज़्यादा नहीं चल रही है क्योंकि यहाँ पे पहले
इसकी पर्ची कटती नहीं थी, मगर अब पर्ची कटने लग गई है। अब यहाँ पे टोल टैक्स लगने लग गया, जिसकी वजह से अब यहाँ पे गाड़ियाँ कम हो गई हैं आनी। पहले फ्री था कह रहे, तब तक तो बहुत जाम लगा रहता, मतलब जाम तो नहीं कह सकते, जब तक फ्री था लोग बहुत आ जा रहे थे यहाँ पे। जब से टोल टैक्स लगना स्टार्ट हुआ है यहाँ पे लोगों की आवाजाही थोड़ी सी कम हो गई है, तो अभी तक कुछ भी पीछे से दिख नहीं रहा है कि लोग आ रहे हैं या नहीं। लोग आ ही नहीं रहे, गाड़ियाँ आ ही नहीं रही हैं। गाड़ियाँ तो आए, लिफ्ट तो तभी देंगे लोग जब गाड़ियाँ आएंगी। जब गाड़ियाँ ही नहीं आएंगी तो वो दिक्कत हो जाएगी। और समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, समय तक थोड़ा आगे होना चाहिए था मुझे, रात हो जाएगी ऐसे तो। 5:58 हो गए। उधर जा रहे हो भैया, उस साइड जा रहे हो, आगे तक छोड़ दोगे? I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Road department के लोगों ने मेरे को 10 किलोमीटर छोड़ा था। उसके बाद एक बाइक पे भैया ये जो जा रहे हैं सामने, इन्होंने हमें छोड़ दिया। और फिर उसके बाद हमें मिले हैं पीछे से सर। शायद मेरे को पीछे कहीं पर देखा था। जी जी जी। थोड़ा सा पीछे, मतलब लगभग 15 किलोमीटर। अच्छा 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 अच्छा। तो तब आप बहुत ही ज्यादा स्पीड में थे। उसमें मैं बहुत ही स्पीड में था, बट मैंने देखा कि आप बोर्ड लिए खड़े हुए थे भारत भ्रमण का एक जो है। जी जी जी। तो मैंने सोचा कि मुझे पीछे जाना चाहिए। जी 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 जी। तो मैं लौटा। अच्छा अच्छा, आप मेरे लिए आए थे जी, स्पेशली आपके लिए। अरे रे रे रे, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे लिए मतलब आगे जाके कम से कम 15 किलोमीटर आगे चले गए। तो सर वापस आए हैं और हमें पिक किया उधर से फिर। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे लिए मतलब इतना किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी हमारे देश में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। काशी बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरा पूरी तरीके से प्रकाशी को सपोर्ट है। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि जैसे हमारे बाकी भी लोग हैं, मैं यूट्यूब पे वीडियो जो ये बनाएंगे शेयर भी करूंगा। जी, जी, जी। सभी लोग इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें जो भी सबसे हो सकता है। इन्होंने जो ये टास्क चुना है हिचहाइकिंग वाला, ये तो बहुत ही एक मैसिव टास्क है। अगर ये प्राइवेट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चुनते तो ये थोड़ा इजी हो जाता, लेकिन इन्होंने एक टफेस्ट वे चुन लिया है। करना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट आपका रहेगा। जब आप मतलब एक एज पे पहुंचेंगे तो आपको यही चीजें याद रहेंगी कि हमने जो है उस एज में ये भी किया था। बहुत सारे लोग प्रकाश ये नहीं कर पाते, हो सकता चाहते हो पर वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ऐसे लोगों को भी अवेयर करना चाहता हूँ, जो आप लोग सिर्फ सोच रहे हो निकल नहीं रहे हो, निकलने की देरी है, सिर्फ निकलने की देरी है। अच्छे लोगों से भरी पड़ी है ये दुनिया। और ये तो अभी मैं भारत, जब आप रास्ते पे चलेंगे तो रास्ते मिलते चले जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। पर आप जब तक शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं पता रहेगा रास्ता क्या रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रकाशी कहाँ से कहाँ तक जाने का इरादा है? सर अभी मैं पीछे मतलब कुरुक्षेत्र से चला हूँ 4-5 दिन पहले, और उसके बाद पहला स्टॉपेज मैंने लिया था लखनऊ। वहाँ पे 2-3 दिन रुका था मैं, और क्योंकि मैं ट्रैवल कम्युनिटी से जुड़ा हूँ जिसका नाम है काउ सर्फिंग। हाँ, ये एक ट्रैवल कम्युनिटी है जो वर्ल्ड वाइड में है। आप किसी को अपने घर पे होस्ट कर सकते हो वर्ल्ड वाइड में। आपको रेफरेंस पढ़ने होते हैं कि किस प्रकार का वो इंसान है। और सारी चीजें उस पर लिखी रहती है कि उनका नेचर कैसा है और कैसे, जैसे हमारे जैसे ट्रैवलर ही रिव्यू देते हैं। और सारे अगर जो अच्छा ट्रैवलर होता है उसके अच्छे रिव्यूज होते हैं, जो भी कोई एक्सपीरियंस करता है जैसा भी एक्सपीरियंस एक्चुअल देते हैं। और अगर किसी के साथ खराब एक्सपीरियंस हुआ वो उसमें खराब एक्सपीरियंस ही डालेगा। क्यों? क्योंकि आगे जो ट्रैवलर इनके पास आएगा, किसी के पास आएगा, तो वो ये फेस ना करे जो मैंने फेस किया है। तो वो चीज है काउच सर्फिंग। और ये एक ट्रैवल कम्युनिटी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, आप सर्च करिएगा। और मैंने जैसे होस्टिंग से स्टार्ट किया था अपने घर पर, बहुत से जैसे रशिया से आए हैं, बुल्गेरिया से आए हैं, यूएसए से आए हैं, यूके से आए हैं, और अपने इंडिया में महाराष्ट्र से, अलग अलग जगह से, मतलब लोग बहुत सारे मैंने घर पर होस्ट किया है। निकल पड़े अपने रास्तों पे अपने पैशन को फॉलो। थैंक यू सो मच। जो आप कर रहे हैं तो दुनिया में बहुत ही कम लोगों को वो मौका मिलता होगा। ईश्वर शायद बहुत ही कम लोगों को ये जिगर ऐसा देता होगा कि हम वो कर पाए जो हम चाहते हैं। नॉर्मली लोग मजबूरी वाला काम करते हैं।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उतर चुके हैं, अब यहाँ पे खत्म हो गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, खत्म हो गया यहाँ। अगर आप इस रोड से चले जाइएगा, ये जो इधर वाला ये जो है ये सीधा बलिया जाएगा, बीच में क्रॉसिंग पड़ेगी अगर गाजीपुर जाना तो है। आगे कोई रोड ही नहीं है, वो खत्म बिल्कुल। हाँ, ये आगे कोई रास्ता नहीं, यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस खत्म है, ये आजमगढ़ चले जाएगा। ठीक है, ये आजमगढ़ जा रहा है। ठीक है ठीक है, तो सर ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया है क्योंकि वो बलिया निकलेंगे। सर बैंक में है, सर कौन सा बैंक बताया था? बैंक ऑफ बड़ौदा में, गवर्नमेंट सेक्टर में है सर, और एज ए चीफ मैनेजर हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतनी हेल्प करी है सच में। तो सर ने वहाँ तक मुझे छोड़ दिया था जहाँ पे वो एक्सप्रेस वे ख़त्म हो रहा था, उसके बाद ये भाई मिले हुए हैं राहुल जी, अब आगे तक छोड़ देंगे, फिर वहाँ बक्सर आ जाएगा और बक्सर से शायद 50 किलोमीटर रह जाएगा आरा। देखते हैं, यहाँ तक आए हैं तो आरा तक भी पहुँच ही जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया ने अपने घर से मतलब कम से कम 5-7 किलोमीटर आगे तक छोड़ा है, तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं बीच में ही रह रहा था अभी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच। तो भैया ने मेरे को बक्सर पुल तक जिन्होंने छोड़ा था, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे आया एक गाड़ी में, और फिर उन भैया ने मेरे को यहाँ चेक पोस्ट तक छोड़ दिया था क्योंकि वो शहर में अपना सीधी जाने वाले थे, तो वो बोल रहे थे चेक पोस्ट के पास खड़े रहना क्योंकि वहाँ से लोग पहुँच जाएंगे आरा और पटना की तरफ। तो हमें भैया जी मिल गए हैं जो कि पटना जा रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? भैया आपका? नरेंद्र। तो आलोक जी और नरेंद्र जी मुझे मिल चुके हैं और ये जा रहे हैं पटना की तरफ, तो वाया क्या कहते हैं आरा होते हुए ही जाएंगे। और भैया आप कहाँ से आ रहे हो, मतलब पीछे से? अच्छा, आप भी लखनऊ से? आप लोग तो मतलब बहुत फ्यूज ड्राइव करके आ रहे हो आप लोग भी। अच्छा, तो भैया भी लखनऊ से आ रहे हैं और ये भी बहुत लंबे मतलब लंबा 3 बजे चले थे और अभी तक चल ही रहे हैं, और आगे भी मतलब पटना तक तो बहुत टाइम लगेगा भैया, है ना पटना तक तो। मैं पहुंच चुका हूँ आरा में, और सबसे बड़ा बड़ा धन्यवाद जिसे मैं देना चाहूँगा ये हमारे सर हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक छोड़ा है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और ये भाई भी हमारे साथ आए हुए हैं और इनका भी थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने मुझे बक्सर पुल से लेकर यहाँ तक बिल्कुल डेस्टिनेशन पे पहुँचा दिया, और मेरे होस्ट भी आ चुके हैं एक अवसर पर हैं, और मेरे होस्ट हैं आज के, और अभी हम जा रहे हैं इनके घर पे। तो सर ने बिल्कुल एकदम घर तक पहुंचा दिया उनके, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। You get burned.